सिख धर्म के पहले गुरु व संस्थापक गुरु नानक देव की 550वीं जयंती बेटवा में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सुबह से ही गुरुद्वारा साहेब में श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रही। इस अवसर पर सिख समाज की महिला, पुरुष और बच्चों सहित आम श्रद्धालुओं ने दीवान के समक्ष मत्था टेका। इसके पूर्व जन्म उत्सव पर्व बेटवा नगर में ऐतिहासिक बावड़ी साहेब गुरुद्वारा से प्रातः संगत के साथ भजन कीर्तन करते हुए मानव सेवा ही सर्वोपरि है का संदेश देते हुए प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें संगत के सेवादारों द्वारा स्वच्छता का संदेश दिया गया। प्रभात फेरी का नगर के कई चौराहों पर विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों द्वारा स्वागत किया गया। इस जुलूस में सभी वर्ग के लोगों ने अपनी उपस्थिति देकर गुरुदेव के आदर्शों पर चलने का संदेश दिया। जुलूस समापन के बाद सभी श्रद्धालुओं को दूध वितरण किया गया व भव्य लंगर का आरम्भ किया गया, जो की देर रात तक चला। गौरतलब है कि बेटमा गुरुद्वारे पर 500 वर्ष पूर्व गुरु नानक देव आए थे, जो यहां 6 महीने 6 दिन रुके थे, जिनके आशीर्वाद से खारे पानी को जन जन को लाभ देने के लिए मिठास प्रदान की गई थी, जो वर्तमान तक चली आ रही है। तभी से बेटमा की पहचान ऐतिहासिक गुरुद्वारा के रूप में मानी जाती है, जहाँ पूरे देश प्रदेश से श्रद्धालु आते हैं। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। के उपलक्ष में आज यहाँ पे नगर कीर्तन का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर सिख समाज के अलावा आरएसएस के बंधुओं ने हमारा साथ दिया और बहुत से लोगों ने साथ मिलके, यहाँ के बेटमा की साथ संगत ने मिलके हमारे साथ नगर कीर्तन में हिस्सा लिया है। और उसके उपलक्ष में हम सब ने यहाँ पे नगर कीर्तन का आयोजन किया, जिस नगर कीर्तन में हमने पूरे बेटमा साहब गाँव के अंदर से निकलते हुए बौड़ी साहब से स्टार्ट करते हुए चरण पादुका साहब से होते हुए वापिस बौड़ी साहब पर समाप्ति की गई है। ये गुरु नानक देव जी के 500 प्रकाश के प्रकाश उपलक्ष में सब कुछ किया गया है। 5 बजे से आरंभ हुआ प्रोग्राम, अखंड पाठ साहिब दी समाप्ति, बाद नगर कीर्तन, सारे नगर दे विच घूमदे हरेक थां ते स्वागत होया। नगर खेड़े घूमदे हुई संगत अपनी इत्थे बेटमा साहब, बहुत बड़ा प्रोग्राम सी, इत्थे दूध का प्रोग्राम रखा गया, लंगर का प्रसादे दा सेवा की गई। लख 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 वधाइयां, 550 साल गुरु नानक देव जी दे गुरपुरब दे सारी संगतां नूं लख लख वधाइयां। इत्थे गुरु नानक देव जी आए और 6 महीने 6 दिन बावड़ी साहब पे रहे। उन्होंने यहाँ बेटमा साहब का जो पानी खारा था वो पानी गुरु साहब ने मीठा किया। सारी सिख संगतां नूं गुरपुरब दी लख 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 वधाइयां जी। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग बेटमा साहिब में खड़े हैं। बेटमा साहिब ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। गुरु नानक देव जी का जन्म ननकाना साहिब में हुआ था 1469 में। 1469 के हिसाब से इस बार 550वां जन्मदिन उनका मनाया जा रहा है, जो बहुत सिख संगत ही क्या सारे पूरे मतलब पूरा देश बड़े उल्लास से मना रहा है। इसमें सरकारें, देश में सारे नागरिक सब लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि गुरु नानक देव जी जो थे, हमारी भाषा में कहा जाता है वो सांझे गुरु थे। सांझे गुरु मतलब होता है कि सबके गुरु थे, कोई सिखों के नहीं थे अकेले। अब मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ उस स्थान की भी बात बता देता हूँ आपको। ये बेटमा साहिब है। बेटमा साहिब जो है इसके लिए प्रसिद्ध रहा है कि गुरु नानक देव जी जब जब भ्रमण पर निकलते थे और उन्होंने पूरे देश मतलब विदेश में विश्व लेवल पर बहुत सारी यात्राएं की, उसी दौरान वह इंदौर आए थे। इंदौर में इमली साहब है और इमली साहब के पास में ये बेटमा साहब है। बेटमा साहब में यहाँ पर पानी का बहुत प्रॉब्लम था, उस दौरान उन्होंने यहाँ पर तब भी किया था और पंजा लगाकर यहाँ पर एक बावड़ी से मीठा पानी का प्रॉब्लम था यहाँ, तो उसको उन्होंने उनके आशीर्वाद से यहाँ पर मीठा पानी आया। तो तब से ही बेटमा साहब गुरुद्वारे की बहुत सारी मान्यता है और मैं पूरे सिख समाज की तरफ से और पूरे इंदौर वासियों की तरफ से और पूरे देशवासियों की तरफ से सबको गुरु नानक देव जी की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।